से। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने, 24-24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा है। सुन ले मंत्री जी को, 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई माननीय सभापति महोदय, उसमें दो किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 1995 अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई 2010 माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।